वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं दरक्षा रफीक फिर से आप लोगों के साथ जुड़ गई हूँ आईबीपीएस एफओ के एंटोमोलॉजी के क्वेश्चंस को लेके, जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज की हम लोग बात कर रहे हैं पिछले कई दिनों से। आई होप आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी एंड आई होप की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो चुकी होगी, रिविजन भी हो गया होगा, बस आप लोग एमसीक्यूज कर रहे होंगे। और जो भी बच्चे अभी भी नोट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नोट्स बना रहे, रिवाइज कर रहे हैं, तो उस चीज को आपको बिल्कुल कम कर देना है और ज्यादा ज्यादा आपको एमसीक्यूज करना है। ओके, तो सारे सब्जेक्ट्स को आपको बराबर लेके चलना है। इनफैक्ट जिनका वेटेज ज्यादा है उनको थोड़ा सा आगे रखना है, सच एज आपका एग्रोनॉमी है, सॉइल साइंस है, पैथो है, एंटोमो है, थोड़ा सा इनको आगे रखना है एंड देन बाकी भी सारे को लेकर चलना, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम के बस जो है कुछ ही दिन बचे हैं तो बहुत परेशान है, स्ट्रेस है, बिल्कुल भी आप लोगों को स्ट्रेस में नहीं रहना है। आज हमारी भी जो है, अगर बात करें आईबीपीएस एफओ की, तो आज हमारी जो है वाईटी सेशन जो है लास्ट क्लास है हमारी, तो आई होप आप लोग बहुत आराम से इत्मीनान से प्रिपरेशन करते हुए एमसीक्यूज कर रहे होंगे, कोई स्ट्रेस नहीं ले रहे होंगे। और हमारी कोशिश, हम लोगों की कोशिश रही है अड्डा 24/7 की, कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को एमसीक्यूज कराया जा सके, और हम लोगों ने कराया भी। बस अब आप लोगों की बारी है कि कायदे से आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से जा करके एग्जाम में स्ट्रेस फ्री होकर आप लोगों को क्वेश्चंस को करना है। ओके, चलिए तो आज का जो सेशन है गाइस, फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई कि कुछ क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं, वो इसलिए किए जाते हैं ताकि उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप लोग या तो उसको भूल रहे हो, है ना, और ज्यादा चांसेस है कि वैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो दैट्स व्हाई मैंने उन क्वेश्चंस को रिपीट किया है, ताकि जो है आप लोग जो है उसका, जिन्हें आ रहा है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आ रहा है रिविजन होगा, आप लोग उसे लर्न कर सको, है ना, या फिर रिवाइज कर सको। और कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा जो भी बच्चे जुड़ रहे हो वो लोग लाइक करो, शेयर करो, और जो है अगले दोस्तों को भी बताओ शेयर करके कि भैया आज लाइव क्लास चल रही है, आज वैसे भी आपकी लास्ट क्लास है। ओके, तो चलो फटाफट से जो है सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। फटाफट से बता दो एरियल ऑफ द बॉल वॉर्म इन कॉटन। ओके, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल पूछ रहा है, कॉटन के केस में जो आपके बॉल वॉर्म है उनका क्या होना चाहिए, क्या होता है, कितना परसेंट वो डैमेज करेगा, तो हमें जो है कंट्रोल शुरू कर देना है। सो व्हाट इज द एरियल ऑफ द बॉल वॉर्म इन कॉटन। तो ये अगर कॉटन के केस में बात करें तो ये आपका क्या हो जाता है, बॉल वॉर्म, है ना, ये तो ये आपका 10% शुरू, यानी 10% आपका शूट डैमेज हो रहा है या बॉल्स डैमेज हो रहे हैं, तो आपको यहाँ से कंट्रोल शुरू कर देना है। तो जिस तरह से कॉटन का है, तो कॉटन और राइस, इन दो चीज, इन दो का जो है आपको बिल्कुल देख के जाना है, कॉटन का एंड राइस का, ठीक है। इनका जो ETL है कुछ केस में, वो आपका मेंशन किया हुआ है, वो आपको बिल्कुल ध्यान से देख के जाना है। ओके, बीज द राइट आंसर, नसरीन और नीलम ने आंसर किया, बहुत बढ़िया, गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेचुरल एनिमीज ऑफ कॉटन पेस्ट इज, ठीक है, नेचुरल एनिमी की बात हो रही है, सच एज कह सकते हैं पैरासिटॉइड, राइट, कल भी हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग पैरासिटॉइड, तो आपको बताना नेचुरल एनिमी ऑफ कॉटन पेस्ट इज, क्राइजोपर्ला कार्निया, ट्राइकोग्रामा स्पेशीज, बोथ ऑफ दिस। कॉटन पेस्ट के केस में बात करें तो नेचुरल एनिमी जो इनका हो जाता है, बोथ ऑफ दिस हो जाता है ना, राइट, तो जो है आपका सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, चलो फटाफट, बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट भी हमें करना है ना, टाइम मैनेजमेंट करते हुए, बहुत बढ़िया नसरीन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपको बताना है क्लास ऑफ क्या है, ट्राइपोराइजा इंसेट्यूलेसिस, क्लास ऑफ ट्राइपोराइजा इंसेट्यूलेसिस, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इनका जो है क्या पता होना चाहिए भाई, इनका नेम पता होना चाहिए, ये तो आपका साइंटिफिक नेम दिया है, तो ये आपका क्या हो जाता है, येलो स्टेम बोरर हो जाता है, राइट। ओके, तो जो है इनकी अगर बात करें येलो स्टेम बोरर के क्लास की, तो वो आपका क्या हो जाता है, लेपिडोप्टेरा हो जाता है, राइट। ओके गुड, बहुत बढ़िया नीलम एंड नसरीन। तो आपको बताना द एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एन इंसेक्ट पॉपुलेशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अनअफेक्टेड बाय द टेम्पररी इंटरवेंशंस ऑफ पेस्ट कंट्रोल इज कॉल्ड। ध्यान से क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन बड़ा है, इसका ये मतलब नहीं कि हमें उससे छोड़ देना है या उससे डर के भाग जाना है, बिल्कुल भी नहीं। उस तरह के क्वेश्चन जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, उनको करना और भी आसान होता है, बस उनको ध्यान से थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत होती है। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी पूछ रहा है, वो बता रहा है ऑफ एन इंसेक्ट पॉपुलेशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम
unaffected by the temporary interventions of the pest control is. ठीक है, ये डेफिनेशन है, आपको बताना कि इसका डेफिनेशन है, ये ETL है, GEP है, EIL है या DB है, फटाफट से बता दो. चलो फटाफट, ETL तो आपको पता है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल होता है, वो तो नहीं है भाई, है ना. उसके अलावा जो है, जो आप और जो देख पा रहे हो, जीपी जो है आपका, ये क्या हो जाएगा, जनरली इक्विलिब्रियम पोजीशन इसे कहते हैं. तो हो सकता है वो आपको वहां पे फुल फॉर्म ना दे, आपको तो इतना पता होना चाहिए ना, राइट. फुल फॉर्म आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ओके. और EIL क्या है, इकोनॉमिक. मुझे ये सारे ऑप्शन ऐड करने की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि आपको एटलीस्ट फुल फॉर्म पता होना चाहिए इनका, इंजरी लेवल, है ना. और DB आपका क्या है, डैमेजिंग बाउंड्री, है ना. ओके, नीलम नसरीन आंसर, गुड, बहुत बढ़िया. ठीक है, देखो ये जो है ना आपका जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है, जिसमें आपका एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी जो इंसेक्ट का होता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, वो जो है अनइफेक्टेड होता है. ठीक है, सॉरी, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक वो होता है, बट हम अगर टेम्पररी उसमें इंटरवेंशन कर रहे हैं, जो भी अपना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो है आपका अनइफेक्टेड होता है वैसे केस में. ये मतलब वो इक्विलिब्रियम में वो रहेंगे, ठीक है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई. तो ये जो है आपके जीपी जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाएंगे, बीज द राइट आंसर. ठीक है, क्लास ऑफ निम्फ्यूला डिपेंटालिसिस, फटाफट से बता दो. ठीक है यार, ये तो इजी है, ये तो बस आपको जो है याद करने की बिल्कुल जरूरत है, और कुछ भी नहीं है ना. ये जो है इनका जो क्लास है वो क्या हो जाता है, लेपिडोप्टेरा हो जाता है. ठीक, सो बेस द राइट आंसर, गुड, बहुत बढ़िया. नीलम नसरीन, डायमंड ब्लैक मॉथ की बात हो रही है, आपको बतानी है किस तरह का पेस्ट है, की पेस्ट है, मेजर पेस्ट है, माइनर पेस्ट है, या इनमें से कोई नहीं. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए डेफिनेशन इन सबका, की जो है की पेस्ट क्या होते हैं, माइनर क्या होते हैं, मेजर क्या होते हैं, राइट. डायमंड ब्लैक मॉथ का पूछ रही रहा है यहाँ पे, DBM जिसे अपन शॉर्ट में कहते हैं, DBM, डायमंड ब्लैक मॉथ. हेलो सौरभ, चलो फटाफट से आंसर करो, यहाँ पे डायमंड ब्लैक मॉथ की बात हो रही है. ओके, की पेस्ट की अगर बात करें तो ये आपका क्या होता है, मोस्ट सीवियर और डैमेजिंग पेस्ट होता है, राइट, की पेस्ट. ओके, और मेजर पेस्ट क्या हो जाता है, कि इसका जो जीपी होता है, इक्विलिब्रियम पोजिशन जो होता है इसका, वो क्लोज होता है आपके इकोनॉमिक इंजरी लेवल के, राइट. और माइनर पेस्ट आपका क्या हो जाता है, कि इकोनॉमिक इंजरी लेवल से कम होता है उसका जीपी. ओके, तो आपको बताना है कि डायमंड ब्लैक मॉथ किस तरह का पेस्ट है, राइट. डायमंड ब्लैक मॉथ, डायमंड ब्लैक मॉथ की अगर अपन बात करें तो ये आपका क्या हो जाता है, की पेस्ट होता है, की पेस्ट होता है, राइट. अब आपको अगर याद करोगे तो याद आएगा कि सच्ची मुच्ची ये जो है काफी सीवियर और डैमेजिंग पेस्ट होता है. ओके, और इसका जो जो आपका जीपी होगा, इक्विलिब्रियम जो पोजिशन होगा इसका, वो जो आपका लाइज करेगा, एबोव रहेगा वो किसके, डीबी एंड EIL के, यानी इकोनॉमिक इंजरी लेवल के ऊपर होगा इसका. यानी भैया ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में, इक्विलिब्रियम पोजीशन में तो ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, सीवियर रहेगा, खतरनाक वाला होगा ये, राइट. सो डायमंड ब्लैक मॉथ, ओके, डन. चलो बहुत बढ़िया, सो ए इज द राइट आंसर. चलो आपको बताना है क्लिपिंग ऑफ लीफ टिप्स बिफोर ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग इन इन द केस ऑफ राइस फॉर द कंट्रोल ऑफ. हम सबको पता है कि कुछ इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो टिप होता है राइस का, जो सीडलिंग स्टेज में टिप हुआ उसको क्लिप कर देते हैं. क्लिप करने से क्या होता है, वो लोग उसके टिप पे होते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, आपके कंट्रोल में आ जाते हैं. आपको बताना है वो कौन सा इंसेक्ट पेस्ट है भाई. राइस केस हुआ में, राइस पे ब्राउन प्लांट हॉपर है या इनमें से कोई नहीं. ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात हो रही है, आपका प्लांट है सीडलिंग स्टेज में, राइस के केस में जब हमने ट्रांसप्लांटिंग अभी नहीं किया है. ठीक है, राइस के केस में क्या होता है, हम पहले इसे नर्सरी में रखते हैं एंड देन फिर जो है इसे ट्रांसप्लांट करते हैं. ट्रांसप्लांटिंग से पहले ये काम किया जाता है, क्योंकि ये जो आपका इंसेक्ट पेस्ट है वो आपको क्या करता है, डैमेज करता है सीडलिंग स्टेज में, राइट.
तो सीडलिंग स्टेज में कर रहा है, ओके। तो ये आपका कौन सा है भाई, राइस हिस्पा। बिल्कुल याद रखना, भूलना नहीं है, राइस हिस्पा आपके सीडलिंग स्टेज में आते हैं, डैमेज करते हैं। तो हम सीडलिंग स्टेज में ही जो इनके लीव जो आई है राइस की, इनकी क्लिपिंग कर देंगे। क्लिपिंग करने से वो जो है आपका कंट्रोल में आ जाएगा। डन, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पायरेथ्रम इज एन इंसेक्टिसाइड ऑफ एनिमल ऑरिजिन, प्लांट ऑरिजिन, केमिकल पेस्टिसाइड, या इनमें से कोई नहीं। पायरेथ्रम की बात पूरी नाम से भी थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि ये किस तरह का इंसेक्टिसाइड होता है, अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है, पायरेथ्रम थोड़ा सा अगर नहीं याद है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लो। पायरेथ्रम का जो है नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा, तो आपको बताने कि किस तरह का पेस्टिसाइड जो है हो सकता है। ओके, ना चलो, और बच्चे फटाफट आंसर करो। पायरेथ्रम की बात हो रही है, ठीक है। पायरेथ्रम जो है आपका किस तरह का हो जाता है, प्लांट ऑरिजिन का हो जाता है, और ये जो है आपका क्राइसेंथेमम, क्या कहते हैं इसे, आई थिंक गुलदाउदी कहते हैं, आई थिंक क्राइसेंथेमम, ठीक है। इससे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो इसका जो इफेक्ट होता है दूसरे इंसेक्ट पेस्ट को मारने में, ये कारगर है, टॉक्सिक साबित होता है। तो ये जो आपका गुलदौदी होता है ना, क्राइसेंथेमम, तो इससे निकाला जाता है, तो उसको अपन पायरेथ्रम कहते हैं। ओके, सो प्लांट ऑरिजिन, सौरभ, नीलम, नसरीन, गुड, चलो, सो इज द राइट आंसर। सो क्लास ऑफ क्या है, ऑर्सियोलिया और आइजेज, ये सब नाम जानबूझ के इसलिए इंक्लूड किया गया, क्योंकि आपको बस सिर्फ इंसेक्ट्स का नाम नहीं याद रखना, आपको याद रखना है क्या भाई, ये साइंटिफिक नेम भी याद रखना है। ओके, सो दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ राइस कॉल मिर्च, राइट। अब आपको फटाफट से बता दो कि राइस कॉल मिर्च का जो है क्लास है वो कौन सा है, डिप्टेरा, कोलिप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, या इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो राइस कॉल मिर्च का क्या हो जाता है भाई, डिप्टेरा हो जाता है, राइट। So, yeah, is the right answer? ठीक है, और इनका जो कुछ कुछ जो सिम्टम जो ये अपना दे रहे होते हैं उसको, उस क्रॉप को इन्फेक्ट करते हुए, वो भी आपको बिल्कुल जो है थोड़ा सा याद रखना है। सच एस कुछ इंसेक्ट का मिल्किंग स्टेज में जो है वो खा रहे हैं, तो जो है मिल्क सारा सक कर ले रहे हैं, फिर ग्रेन जो आपका बिल्कुल बन ही नहीं रहा है, तो ये सब थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना। ओके, चलो, तो क्लास ऑफ ऑर्सियोलिया और आइजी, यानी राइस गॉल मिर्च, स्ट्रिप्टेरा। ओके, डन। Next question, which of the following slash are insecticides from microorganisms origin? इनमें से कौन से इंसेक्टिसाइड है जो microorganism origin का, सच में हमने देखा प्लांट का देखा, एनिमल का देखा, केमिकल इंसेक्टिसाइड तो हम लोग बनाते ही आ रहे हैं, एक जमाने से बना रहे हैं, अब हमने फिर कुछ microorganism से भी जो है एक्सट्रैक्ट किया है, आपको बताना कौन से इनमें से पेस्टिसाइड है। ओके, Which of the following slash are insecticides from microorganisms origin? Vertimax, Pinocet, Tracer, all of these. Okay, so क्या हो जाएगा आपका, all of these, and it is the right answer. Vertimax, Pinocet, Tracer, ये सारे जो हैं आपके क्या है भाई, microorganisms से जो है इनको extract किया गया है. Okay. तो अगर देखो आपका एक्चुअली ये जो वर्टीमैक है ये ट्रेड नेम हो जाता है, ये एबामेक्टिन का ट्रेड नेम है, राइट, और जो है आपका स्पाइनोसेट का भी ट्रेड नेम ट्रेसर है, तो स्पाइनोसेट ट्रेड और ट्रेसर दोनों इंक्लूड किया गया, इसका ये ट्रेड नेम है। ओके, और वर्टीमैक जो है आपका एबामेक्टिन का है। ओके, सो ये तीनों ही आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ऑल इज द राइट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेस्ट ऑफ मेज़ेस, मेज़ का डिस्ट्रक्टिव पेस्ट पूछ रहा है, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेस्ट बता दो फटाफट से, मेज़ की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, मेज़ की बात हो रही है भाई, क्या हो जाएगा फटाफट से बता दो, काइलोपार्टेलस है, एथेरिगोना सोकेटा है, सिसेमिया इन्फ्लुएंस है, चलो फटाफट। ये क्वेश्चन, आई थिंक ये क्वेश्चन जो है आपके रिपीट हो रहे हैं, लेकिन फटाफट से बता दो क्या हो, कौन सा जो है इंसेक्ट पेस्ट में इसके लिए मोस्ट डिस्ट्रक्टिव है या हो सकता है, किसे माना जाता है, फटाफट फटाफट, चलो। ओके, तो अगर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेस्ट अगर बात करें मेस के केस में, तो क्या हो जाता है भाई, कैलोपार्टेलस है ना, ये आपका स्टेम बोरर जिसे अपन कहते हैं, मेस स्टेम बोरर
yeah, sorghum stem borer, right? Most destructive pest of maize जो होता है काइलोपार्टिलस है ना, आपका साइंटिफिक नेम है ये, किसका है भाई? maize stem borer का, maize stem borer, बिल्कुल ओके. तो क्लियर रहना है आपको, maize stem borer या इसे अपन सॉर्गम स्टेम बोरर भी कहते हैं, ये बहुत खतरनाक है. जहां लगा ना मेज में, छोड़ेगा नहीं वो, उसको बर्बाद करके जाएगा या सॉर्गम में लग गया तो. ओके, सो काइलोपार्टिलस. ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंसेक्ट पेस्ट ऑफ मस्टर्ड? पेंडेड बग, मस्टर्ड एफिड, मस्टर्ड सॉफ्ट फ्लाई, रेड हेयरी कैटरपिलर. Which of the following is not insect pest of mustard? Insect pest of mustard की बात हो रही है तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि mustard के insect pest कौन कौन से होते हैं, तभी तो आप इसको answer कर पाओगे. ठीक है, अगर बात करें mustard के insect pest की, तो ये जो है आपका red hairy caterpillar, ये जो है आपका sweet potato का है pest. Okay, so this is not insect pest of मस्टर्ड, ये आपका स्वीट पोटैटो का इंसेक्ट पेस्ट है. क्लियर? सो इट इज द राइट आंसर, नसरीन. गुड, बहुत बढ़िया. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ टॉलरेंस वाज गिवन बाय, लॉ ऑफ टॉलरेंस किसने दिया था भाई? ठीक है, ये भी जो है आई थिंक आपने कर रखा, आई थिंक. ठीक है, तो ये जो है आपके वी शेलफोर्ड जो थे, इन्होंने 1913 में जो है इसे दिया था. तो आपको थोड़ा सा ईयर भी ध्यान में रखना है कि 1913 यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास की बात हो रही है शायद. लॉ ऑफ टॉलरेंस इस टाइम में इन्होंने दिया था. ओके, सो बेस द राइट आंसर. ग्रेट, चलो. सो व्हाट इज द साइज ऑफ कोर्स स्प्रे? देखो भैया, ये जो तुम्हारा कोर्स स्प्रे है, मिस्ट साइज है, स्मोक है, ये सब भूलना नहीं है. ये बहुत एग्जामिनर का फेवरेट है, ये पूछेंगे इक्विपमेंट से, वो यही पूछेंगे कि भाई साइज बता दो, ईमानदारी से कोर्स का बता दो, तुम मिस्ट का बता दो, स्मोक का बता दो. तो इसको बिल्कुल भूलना ही नहीं है तुम लोगों को, साइज को बिल्कुल अकॉर्डिंगली जो है ऐसे इनलिस्ट करो ऐसे लाइन से और याद कर लो. ठीक है, यहाँ पे फटाफट से कोर्स का साइज बता दो कि जो है आपका कोर्स स्प्रे का साइज जो है क्या होना चाहिए या क्या होता है. ठीक है, अगर कोर्स की अगर अपन बात करें तो ये आपका जो है 400 माइक्रोन से ज्यादा होता है, 400 या उससे ज्यादा जो होगा वो कोर्स स्प्रे कहलाता है. ठीक है, जब हम लोग इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करते हैं उसमें कई साइज होते हैं आपके इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड बोलो उनके. ओके, तो उसी के अंतर्गत आपको पढ़ना है, तो उसके अकॉर्डिंग. अब मान लो किसी जो आपका इंसेक्टिसाइड है उसका साइज थोड़ा ज्यादा है, तो वैसे केसेस में जो है कोर्स स्प्रे जो भी नोजल के अकॉर्डिंग जो वो साइज होती है वो अपन उसमें लगाते हैं एंड देन फिर हम उससे स्प्रे करते हैं. तो सी इज द राइट आंसर, 400 माइक्रोन और मोर. ओके, तो बिल्कुल आपको भूलना नहीं है भाई, साइज वाइज तो यार 4-5 है, याद करके जाना कायदे से. ओके, द प्रोडक्शन ऑफ लाइट बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड, प्रोडक्शन ऑफ लाइट बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोलैमिनेट, लाइटिंग ऑर्गेनिज्म, बायोल्यूमिनेसेंस, नन ऑफ दिस. बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ना, इसमें तो कुछ दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है, ट्वेल्थ से तुम लोग करते आ रहे हो. आई थिंक द प्रोडक्शन ऑफ लाइट बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड क्या है, बायोलैमिनेट तो बिल्कुल भी नहीं होता, उसको लाइटिंग ऑर्गेनिज्म भी नहीं कहते, क्योंकि अपन टेक्निकल टर्म की यहाँ पे बात करें तो टेक्निकल टर्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो हम का क्या कहलाता है, बायोल्यूमिनेसेंस. ल्यूमिनेसेंस मीन्स तो आपका बायो मीन्स जो हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म से हो रहा है. ओके, और ल्यूमिनेसेंस मीन्स लाइट होता है, तो उसे अपन क्या कहेंगे. सी इज द राइट आंसर, नसरीन एंड विजय ने आंसर किया. गुड. Okay, so what is the size of smoke? 1 to 50 micron, 50 to 150 micron, 150 to 400 micron, yeah, none of this. स्मोक की बात हो रही है भाई, स्मोक जो है सबसे स्मॉलेस्ट साइज माना जाता है और इसका जो इस्तेमाल अपन करते हैं फ्यूमिगेशन में करते हैं, यानी जो है गैसियस जो अपन स्प्रे करेंगे गैसियस फॉर्म में वो आपका कहलाता है. ओके, फ्यूमिगेशन मतलब गैसियस फॉर्म ऑफ गैसेस फॉर्म कह सकते हो. ओके, सो क्या हो जाएगा, फटाफट से आंसर करो. 150 to 150 to 150 to 400. देखो
देखो कुछ ऐसा है ना भाई कि अगर स्मोक की अगर अपन बात करेंगे तो स्मोक का जो साइज होता है 0.001 से 0.1 होता है, माइक्रोन में होता है, बहुत छोटा साइज है, बहुत स्मॉल साइज है। इनफैक्ट जो हम लोग स्प्रे वगैरह जो करते हैं इक्विपमेंट के थ्रू, और तो ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट साइज आ जाता है। तो इस तरह का ऑप्शन तो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा, यानी क्या हो जाएगा भाई, नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। तो देखो कभी कभी नन ऑफ दिस भी आंसर होता है, तो जो है नन ऑफ दिस को बिल्कुल भी हम लोग को इग्नोर करते हुए नहीं चलना है। ओके, नन ऑफ दिस को कभी इग्नोर करते हुए नहीं चलना है, सो इट इज द राइट आंसर। ओके, देखो कोर्स की जब बात है, यहाँ पे देख लो एक बार फटाफट से देख लो, 400 और मोर, ओके, माइक्रोन में बात हो रही है यहाँ पे। ओके, तो ये आपका कोर्स स्प्रे हो जाएगा। एक फाइन स्प्रे भी होता है, यानी इससे जो छोटा हो जाएगा, तो 100 to 400 हो जाएगा। देखो कहीं पे 300 भी देखने को मिलता है, 300 और मोर एंड 1 to 300, तो इज ओके, कुछ भी ऑप्शन में कोई एक ही देगा तो चलेगा। बस आप यही याद कर लो, काफी है। एटलीस्ट आप लोगों को जो है आसपास भी तो पता होना चाहिए ना। मिस्ट साइज आपका 50 to 150 हो जाता है, ओके, और फॉग है उससे छोटा वो आपका 1 to 50 हो जाता है, और उसके बाद है आपका स्मोक। स्मोक का इस्तेमाल हम लोग गैसियस स्टेट में जब हम लोग ये करते हैं तब होता है, और वो बहुत छोटा होता है, यानी आपका कहाँ जा रहा है भाई, जो है 0.1 से 0.001, यानी बहुत छोटा है यार, बहुत छोटा है। ओके, डन, तो याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ट्यूबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेथ रेट काउजेस ऑफ डेथ चेंजेस ऑफ सर्वाइवल एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज कॉल्ड। इस तरह का जो हम लोग टेबुलर रिप्रेजेंटेशन लेकर के चलते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन लिस्ट कहते हैं, प्रेजेंटेशन टेबल कहते हैं, लाइफ टेबल कहते हैं। ओके, तो इस तरह का जो अपन टेबुलर प्रेजेंटेशन करते हैं जिसमें डेथ रेट और क्या वजह है डेथ की, चेंजेस ऑफ सर्वाइवल, लाइफ एक्सपेक्टेंसी उनकी क्या है, तो इन सब जो डिस्कस करते हैं उसको अपन लाइफ टेबल कहते हैं। डन, ओके, सो सी इज द राइट आंसर। ओके गुड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। ATL ऑफ BPA इन द IPL मॉड्यूल्स फॉर राइसेस। ओके, राइस के इंसेक्ट पेस्ट है आपका BPA, जिसे अपन ब्राउन प्लांट हॉपर कहते हैं। ब्राउन प्लांट हॉपर का आपको ATL बताने, यानी इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल बताने। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल क्या होता है कि उस लेवल से अब आपको कंट्रोल करना शुरू कर देना है। ओके, उसी को अपन ETL कहते हैं। तो ब्राउन प्लांट हॉपर के केस में आपको राइस पे जो है राइस के हिल पे कितने हॉपर देखने को मिलेंगे कि आप उसे जो है वहां से आपको कंट्रोल आप शुरू करोगे। फटाफट से बता दो, 1 से 2 हॉपर पर हिल मिलेंगे तभी, 2 to 4 हॉपर पर हिल या 5 to 10 हॉपर पर हिल। ओके, तो अगर बात करें ब्राउन प्लांट हॉपर की, तो ये आपका जो है 5 to 10 हॉपर पर हिल। अगर 5 से 10 आपका जो हिल हुआ उस पे जो है आपके जो है 5 से 10 अगर यहाँ पे BPH दिख रहे हैं एक हिल पे, तो भाई ETL है, ये इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल है, तुमको अब सोना नहीं है या कुछ सोचना नहीं है, फटाफट से कंट्रोल शुरू कर देना अपने राइस क्रॉप का। डन, सो सी इज द राइट आंसर। शंभवी कुमारी ने आंसर किया है, ओके, नसरीन ने भी, गुड। The study of groups of organisms comprising different species in relation to their environment is called. हम स्टडी कर रहे हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, जिसमें आपके डिफरेंट स्पीशीज हैं और उनका रिलेशन जो है उनके एनवायरमेंट से लेकर, ठीक है। तो आपके चूंकि डिफरेंट स्पीशीज हैं, दैट्स व्हाई स्टडी ऑफ ग्रुप्स है ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो इस तरह की जो स्टडी होती है वो आपकी कहलाती है सिनेकोलॉजी। ए इज द राइट आंसर। डन, ओके, चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। ऑप्टिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द लेफ्ट ओवर पेस्टिसाइड्स और इट्स डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड। ऑप्टिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, ओके, होना क्या चाहिए, ये डेफिनेशन है। द ऑप्टिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द लेफ्ट ओवर पेस्टिसाइड्स ऑफ इट्स डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स इज। देखो जब हम लोग अपने जो इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड को जब हम लोग डाल रहे होते हैं, स्प्रे कर रहे होते हैं, या जो है उसको फ्यूमिगेट कर रहे हैं, नहीं डस्ट के फॉर्म में जो भी हम दे रहे, तो उसके बाद कुछ ना कुछ उनका जो है डिग्रेड होने के बाद कुछ ना कुछ तो जो है उनका ये होता होगा ना, जो प्रिसिपिटेट है या जो कुछ भी है, तो वो आपके इन्वायरमेंट में जा रहे हैं, चाहे सॉइल के थ्रू जा रहे हो या एयर में मिल रहे हो कुछ भी, तो उनका एक जो है हर इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का एक ऑप्टिमम जो है सेफ कॉन्सेंट्रेशन दिया गया। दैट्स वाई आपका DDT बैन हुआ, क्योंकि उसका जो भैया कॉन्सेंट्रेशन था बहुत हाई था, ओके, तो इसलिए उसके लिए एक कॉन्सेंट्रेशन दिया गया। तो ये आपका डेफिनेशन है, बताना है कि हम इस पूरे लाइन को सेंटेंस को ना यूज करते हुए हम क्या यूज करेंगे, उसको अपन कहते हैं मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट, राइट, सो बी इज द राइट आंसर। ओके,
याद रखना द ऑप्टिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द लेफ्ट ओवर पेस्टिसाइड्स और इट्स डिग्रेडेशन प्रोडक्ट इज कॉल्ड का मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट कहलाता है. ओके, और उसके ऊपर अगर आपका कोई भी पेस्टिसाइड जो है आपका अगर दे रहा है रेजिड्यू, तो वो हमारे लिए जो है कारगर नहीं है, सरकार से बैन फिर लगाएगी. ओके, डन. सो पायरिला परप्यूसिला इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पायरिला परप्यूसिला. फटाफट से जो है याद करो, राइस है, मेज है, शुगर केन है, वीट है, क्या है? तो ये आपका शुगर केन लीफ ऑपर है, राइट. जितने भी आपके क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ना, सारे इम्पोर्टेंट है, यानी मोस्ट एक्सपेक्टेड है, किसी को आपको इग्नोर करते हुए नहीं चलना है. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एसीफेट इज. एसीफेट आप सबको पता होगा कि ये इंसेक्टिसाइड है. ये किस तरह का इंसेक्टिसाइड है? ऑर्गेनोफॉस्फेटिक है, सिस्टेमिक है, प्रोपेस्टिसाइड है, या इनमें से सारे ही है? ध्यान से देखो, एसीफेट की बात हो रही है, एसीफेट की बात हो रही है. देखो एसीफेट जो हो जाता है ना आपका, ये आपका ऑर्गेनोफॉस्फेटिक भी है. ओके, ऑर्गेनोफॉस्फेटिक बोले तो ये जो हमने जब केमिकल इंसेक्टिसाइड पढ़ा तो उसमें हमने कैटेगरी पढ़ी, ऑर्गेनोफॉस्फेटिक पढ़ा, कार्बामेट पढ़ा, राइट. तो उसमें आपका जो ऑर्गेनोफॉस्फेटिक है, यानी कार्बन के साथ जो फॉस्फेट आ रहा है, वो एसीफेट के केस में देखने को मिलता है इसके केमिकल स्ट्रक्चर में. तो एसीफेट ऑर्गेनोफॉस्फेटिक. ओके, उसके अलावा ये जो सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है, यानी जब आप इसको डालोगे, स्प्रे करोगे, तो आपने तो फोलियर स्प्रे किया, ये पूरे सिस्टम में ट्रांसलोकेट करेगा, तो आपका सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड भी है. देन भैया फिर प्रोपेस्टिसाइड क्या होता है? तो देखो प्रोपेस्टिसाइड उस तरह के पेस्टिसाइड को कहते हैं जो स्टार्टिंग में जो है, जब आप उसको स्टार्टिंग में वो जो अपने असली रूप में होगा तो वो आपका क्या है, इनएक्टिव होगा. लेकिन जब आपने उसे स्प्रे किया प्लांट के द्वारा या वो एनिमल के द्वारा, ओके, वो या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा वो उसको एक्टिवेट करता है, देन फाइनली वो वर्क करना शुरू करता है, उसको अपन प्रोपेस्टिसाइड कहते हैं. तो एसीफेट उसी तरह का इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है. तो आपका ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर. नो नो साई राजू, ये ध्यान से देखो, एसीफेट जो है आपका ऑर्गेनोफॉस्फेटिक तो ग्रुप में तो आता ही है, और ये एक सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड होता है, और जो है ये प्रोपेस्टिसाइड होता है, यानी ये इनएक्टिव स्टेज में होता है, एंड देन जब आप उसको स्प्रे करोगे तो फिर वो या तो एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या प्लांट के द्वारा जो है इसको एक्टिव किया जाता है. सो ए डी इज द राइट आंसर. डन. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेस्ट? फंजाई, वाइस, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स, नॉन ऑफ दिस. चलो फटाफट से आंसर कर दो. ठीक है, नॉट पेस्ट की बात हो रही, पेस्ट की अगर अपन बात करें तो पेस्ट आपके कौन कौन से हो जाते हैं? आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं उसमें, ओके, इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो डिस्ट्रॉय कर रहा है, हार्म कर रहा है, ईटीएल लेवल तक जा रहा है, तो वो आपका पेस्ट कहलाता है. तो फंजाई, वायरस भी होते हैं, बर्ड्स भी होते हैं, इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स भी होते हैं. सो इट इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हेन जीईपी इज क्लोज टू ईआईएल बट इकोनॉमिकली डैमेज अवॉइडेड बाय टाइमली इंटरवेंशंस. ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को देखो. आपका जीपी जो है क्या है, इकोनॉमिक इंजरी लेवल के बिल्कुल करीब है, लेकिन जब हमने टाइमली इंटरवेंशन किया तो जो है वो क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखो, मेजर पेस्ट कहलाएगा, माइनर की पेस्ट है, रेगुलर पेस्ट. फर्स्ट थिंग जो आपको ध्यान में रखना है इसमें कि जीपी इज क्लोज टू ईआईएल. ओके, ठीक है, जो जनरल इक्विलिब्रियम आपका जो पोजीशन था वो बिल्कुल इकोनॉमिक इंजरी के लेवल के आसपास है, और जहां इक्विलिब्रियम आ रहा है भाई, तो कोई कुछ बड़ा करेंगे ये लोग. ठीक है, तो उस तरह के केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि वो जो है, और आप जब आपने जो है टाइमली इंटरवेंशन के बावजूद उसके जो है ये आपका इकोनॉमिकली डैमेज जो है उसको अवॉइड किया जा रहा है, यानी ये कोई आम पेस्ट नहीं है, माइनर पेस्ट तो हो ही नहीं सकता. ओके, तो ये जो है आपका मेजर पेस्ट के केस में देखा जाता है, राइट. और मेजर पेस्ट के केस में जो है आपको कॉटन और राइस के जो है आपके सकिंग पेस्ट जो आ जाते हैं वो जो है इसी के अंतर्गत आ जाते हैं. तो ये जो जीपी का मामला ईआईएल से, चाहे मेजर पेस्ट, माइनर पेस्ट, की पेस्ट, उनको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना. ओके, सो मेजर पेस्ट हो जाएगा. ओके, गुड, चलो डन. सो एफिस्टियल कॉटेला इज इंटरनल फीडर, एक्सटर्नल फीडर, बोथ ऑफ दिस? नो, दिस एफिस्टिया कॉटेला.
फिस्टिया कॉटिला क्या है भाई, आलमंड मॉथ है ना ये, साइंटिफिक नेम ऑफ आलमंड मॉथ इज फिस्टिया कॉटिला। ओके सो ये आपको एक्सटर्नल फीलर होता है। अब एक्सटर्नल फीलर इंटरनल फीलर तो ये आप लोगों को पता ही होगा कि किसे कहते हैं। एक्सटर्नल क्या है कि ये जो है आपका एक्सटर्नल फीलर बाहर से जो खाना शुरू करेगा ग्रेन को, ओके। और इंटरनल फीलर क्या होते हैं कि ये पहले ही से ही अपने एग स्टेज में यहाँ अंदर प्रेजेंट होते हैं, यही अपना लार्वा बनाएंगे और अंदर अंदर खाना शुरू करेंगे और तब बाहर की तरफ निकलेंगे। ओके सो बेस द राइट आंसर। जीपी क्या है, देखो इतना जीपी के बारे में डिस्कस तो हुआ लेकिन कुछ बच्चे शायद अभी भी इसका फुल फॉर्म बोल रहे होंगे, तो फटाफट से बता दो कि जीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। जेनेटिकल इक्विलिब्रियम पॉइंट, जनरल इकोनॉमिक पॉइंट, जनरल इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये पॉइंट नहीं एक्चुअली पोजिशन होगा, टाइपिंग मिस्टेक हुआ। ओके सो फुल फॉर्म इज ऑफ जीपी इज जनरल इक्विलिब्रियम पोजिशन, राइट। चलो डन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राइजोपथा डोमिनिका इज पेस्ट ऑफ, राइजोपथा डोमिनिका की बात हो रही है भाई। ये आपका क्या है, लेजर ग्रेन बोरर होता है। लेजर ग्रेन बोरर की अगर अपन बात करें, ठीक है, ओके सो इट इज द राइट आंसर। ये वीट राई और ज्वार सबका जो है ये पेस्ट होता है, सो लेजर ग्रेन बोरर इज अ पेस्ट ऑफ वीट राई एंड ज्वार, सो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोबियल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट इन आईपीएम कैन कम अंडर। आप आईपीएम मॉड्यूल जब आप पढ़ोगे तो उसके अंतर्गत आप बहुत तरह के कंट्रोल आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, कल्चरल है, बायोलॉजिकल है, फिजिकल है, लीगल है, ठीक है। उसके अंतर्गत एक और आपका जो कंट्रोल आता है माइक्रोबियल कंट्रोल, यानी हम माइक्रोब का इस्तेमाल करते हुए जो है हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो कंट्रोल है कौन से मेथड के अंतर्गत आएगा, कल्चरल है, बायोलॉजिकल है, फिजिकल है या लीगल है, ओके। तो जब आप माइक्रोबियल कंट्रोल कर रहे हो यानी माइक्रोब का इस्तेमाल कर रहे हो या राइट, माइक्रोब का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अगर इस्तेमाल करते हुए अगर हम आईपीएम कर, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो कल्चरल तो होगा नहीं, फिजिकल भी नहीं होगा, लेगल तो बिल्कुल भी नहीं है, तो वो आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंतर्गत आता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल जब तुम लोग पढ़ोगे तो उसमें आपका वही है, पैरासिटाइड का भी अपन यूज करते हैं ना, और एक जो है आपका माइक्रोबियल यूज भी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी यूज करते हैं। सो बेस द राइट आंसर, शंभवी ने आंसर किया, गुड। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्लास ऑफ कटवॉर्म इज, कटवॉर्म का ग्राम कटवॉर्म का आपको क्लास बताना है क्या है। ओके सो ये सब जो है तो आपको थोड़ा सा याद ही रखना होगा भाई। तो क्लास ऑफ ग्राम कटवॉर्म जो हो जाता है वो आपका क्या हो जाता है, लेपिडोप्टेरा हो जाता है, राइट। सो इज द राइट आंसर, जो भी हो फटाफट से आंसर करो, टाइम नहीं लगाना है। ओके द पेस्ट व्हिच अटैक्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इज, एक ऐसे पेस्ट की बात हो रही है जो प्लांट का कोई पार्ट छोड़ता नहीं है, सारे प्लांट पे अटैक कर लेता है, वो कौन सा पेस्ट है भाई, हॉपर है, टर्माइट है, बोरर है या इनमें से सारे ही है। पेस्ट व्हिच अटैक्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज, फटाफट हॉपर, टर्माइट, बोरर, ऑल ऑफ दिस याद करो तो कुछ तो याद आ ही जाएगा यार, याद करोगे तो कुछ तो याद आ ही जाएगा, ठीक है। देखो अगर अपन बात करें कि कौन सा पेस्ट है जो प्लांट के सारे पार्ट पे अटैक करता है, तो वो आपका भाई टर्माइट है, और ये आई थिंक आप लोगों ने खुद ही देख रखा होगा प्लांट ट्रीज में, ओके सो ये जो है आपका टर्माइट है। ओके हॉपर तो आपको पता है कि अपना जाता है लीफ को बेचारा खाना शुरू करता है, वहीं से उसका काम खत्म हो जाता है, ओके। तो टर्माइट जो है वो सारे जो है पार्ट ऑफ द प्लांट पे जो है अटैक करता है, ओके सो बी इज द राइट आंसर। तो देखो यार ऐसा ही है कि आज का भी सेशन आपका एंड हो गया है, और जो है आप लोगों से जो मैं अपनी तरफ से कहना चाहूंगी वो यही कहना चाहूंगी कि बहुत इत्मीनान से एग्जाम हॉल में जाना, आराम से जाकर के जो है आप जो है क्वेश्चन को करना, जो क्वेश्चन नहीं आएगा हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, उसको वहीं पे टिक करना कि अभी मुझे इसे बाद में करना है, और फिर उसकी तरफ लास्ट में आना
ना, और टाइम मैनेजमेंट को बिल्कुल जो है ध्यान में रखना तुम लोग, ओके, और बहुत अच्छे से एकदम इत्मीनान से स्ट्रेस में बिल्कुल भी नहीं आना है तुम लोगों को, ठीक है। स्ट्रेस में आओगे यार तो क्वेश्चन तो गलत होगा, ठीक है। और क्वेश्चन जब बच्चे ज्यादा पढ़ के जाते हैं ना, वो क्या करते हैं कि क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहते, कहते हैं भैया मैं तो पढ़ के आया हूँ, कैसे ही छोड़ दूं, इसे टिक करना होगा, ओके। और उस चक्कर में क्या होता है, हमारा गलत हो जाता है। अब आप लोगों ने जितना पढ़ रखा है बहुत पढ़ लिया, ठीक है, अब आपका टाइम क्या है कि एक रिविजन लगाओ सब्जेक्ट वाइज, 15 से 20 मिनट में एक सब्जेक्ट का रिविजन लगाओ, एंड देन जो है तुम लोग फटाफट से जो भी एमसीक्यूज आपके सारे ही सब्जेक्ट अवेलेबल है यहाँ पे अड्डा 24/7 पे, वहां पे आप फटाफट से उनको फास्ट फॉरवर्डेड में उसको जो है बार बार एमसीक्यूज को करो, ओके। तो इस तरीके से करो, क्योंकि लास्ट टाइम में आपको अब पढ़ने की, नोट्स बनाने की, ये सब की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस आपको क्विक रिविजन की जरूरत है एंड देन एमसीक्यूज की जरूरत है। आप जितना ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू करके जाओगे आप उतना अच्छा करोगे, है ना। और भैया दही वही खा लेना एग्जाम से पहले, ऐसा माना जाता है कि जितना अच्छा बनता है एग्जाम्स अच्छे जाते हैं, कर लेना वो सब, लेकिन एग्जाम अच्छे से देके आना, ओके। और बिल्कुल फ्री रहो, है ना, और अच्छे से एग्जाम दो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई होप कि आप सब जो लोग प्रिपरेशन में लगे हुए हो और कंटिन्यू जो है आप लोगों ने वाईटी सेशन देखा, आई होप आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा और आप लोग एग्जाम क्रैक करने वाले हो। बस जो अपने अंदर पॉजिटिव वाइब्स को जो है बिल्कुल लाते रहना है और एकदम पॉजिटिव सोचना है, और जितना पढ़ा बहुत पढ़ा, ये तो सोचना ही नहीं कि कम पढ़ा है, और तुम लोग बहुत अच्छा करोगे, ओके इंशाल्लाह। और जो है बस अपनी प्रिपरेशन को जो है अब क्या करना है तुम लोगों को, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं। सो बी फ्री, बिल्कुल फ्री रहो, इत्मीनान रहो, रिलैक्स रहो, एंड जो है अच्छे से एग्जाम को देख रहा। चलो ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन गाइस। चलिए तो आज के सेशन को जो है आपका एंड करते हैं। आईबीपीएस एफओ का जो है आज का जो है आपका ये फाइनल एंड लास्ट वाईटी सेशन था। फिर अगर आपके जो भी नए बैचेस आएंगे तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। चलो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस। चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।